हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम मिस्टर गाइस, आज मैं आपको पढ़ूंगा मैथ में एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 9। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहले देखते हैं क्वेश्चन में कहना क्या है। एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड इस हम बात पे देखेंगे। अभी नीचे का देख रहे थे कंपोजिट नंबर, तो हमें इसमें बताना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। अब पहला आप ये देख रहे हो कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर है, नंबर की शॉर्ट फॉर्म एनो पॉइंट होता है। तो चलो, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके टू मोर फैक्टर्स होते हैं। जैसे हो गया हमारा 4 × 2 × 8 × 2 × 2 तो ये तो हमारे टू मोर फैक्टर, मतलब दो या दो से ज़्यादा, दो से कम नहीं होने चाहिए। तो अगर हमारे दो से ज़्यादा है तो हमारे कंपोजिट नंबर है, अगर दो से हमारे कम है तो हमारे कंपोजिट नंबर नहीं है। तो हमें इसमें यही बताना है। अब हमने देख लिया कंपोजिट नंबर क्या है। अब आपने देखो, आपको उससे थोड़ा आइडिया तो लगा रहा होगा कि इनटू में है, तो मतलब एलसीएम तो हमें लेना ही है। अब आप 8 का एलसीएम ले लेंगे, 2 × 4 = 8 × 2 = 4 ये हमने ले लिया। तो अब ये इस वजह से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्वेश्चन का भी। तो चलो देखते हैं कैसे करना है, तब तक के लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। तो चलो चलते हैं। तो चलो अब आ गए अपने नेक्स्ट पेज पर, चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो ये तो मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर होते क्या। अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। हमारे पास है गिवन 7 × 11 × 13 + अब देखो ये दोनों तो इंटू में है और ये प्लस में, तीनों इंटू में है, एक प्लस में। तो पहले जो है ना 13 कॉमन है हमारे पास, तो हम 13 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर लिखेंगे 7 × 11 + अब देखो हमने इसको कॉमन लेके निकाला ना बाहर, तो इधर प्लस का वन हमें लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में ही है, ठीक है ना। तो इतना हमें लेना ही लेना। अब देखो 13 का लेकर हम बाहर रखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं 7 × 11 = 77 प्लस का है हमारे पास 9 × 17। अब देखो यहाँ पे इंटू, ये तो हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास आया 78। अब ये ब्रैकेट के बाहर आया तो इधर इंटू में आ जाएगा। अब इसको हम इसकी इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 1012। अब हम हमें पता लगाना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं, तो हमें इसके लिए निकालने के लिए जाना पड़ेगा इधर, ठीक है ना। कभी आपको नेक्स्ट वीडियो लेके जाएंगे भाई, इसके अंदर साइड में ले लेते हैं हम प्राइम कैप। जो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 5 = 10 0 × 0 = 9 और 2 × 7 = 3 × 1 = 3 इधर का 2 कैरी 3 × 6 = 18 और इधर 1 कैरेगा ये हो गया। ये जाएगा हमारा 13 के टेबल से 13 का 13 निकलेगा। अब देखो ये हमारे इसके आ गए, अब इधर लिख लेते हैं साइड में इसके फैक्टर 2 × 3 × 13 × 13। अब आप बताओ कि ये कॉमन फैक्टर है या नहीं, आपको पता तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और ये दिस इज अ कंपोजिट। तो बच्चों ये तो हमने करा केस वन। अब हमें केस सेकंड देख लिया, तो हमारा केस वन हो गया इतना। केस सेकंड जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। तो चलो चलते हैं। चलो अब हमें अपने नेक्स्ट पेज पर, और हमारे पास गिवन तो हमने पहले दे दिया आपको गिवन, आपको ज़्यादा टाइम यूज होगा सर। तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन भी स्टार्ट। अब देखो इसमें हमारे पास 5 कॉमन है, तो हम 5 को पिछली बार की तरह बाहर निकाल लेंगे और अंदर 5 को छोड़कर सारे डिजिट लिख लेंगे। 7 × 6 × 5 × 4 नहीं आएगा, आप भी ध्यान नहीं दे रहे थे। 6 × 4 × 3 × 3 × 2 + 1 क्योंकि प्लस का 1 तो जरूरी है ना इसमें। चलो अब इन सबकी इंटू करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1 0।
एंड फिलिप्स का ये आ गया। अब 5 × 100 नहीं है, अब इसकी इंटूस में कर लेंगे हम, तो 50 ये हमारे पास आया। अब हम इसका करेंगे ना। तो अब आप देखो ये हमारे पास दो कॉमन फैक्टर आ गए ना, इधर कर ले रहे हैं 5 × 1009। अब देखो 2 आना, अब हम चाहते से कंपोजिट नंबर 3 में भी बना सकते हैं 2-1 लगा के, लेकिन इस वन का कोई ज़्यादा वो नहीं रहा था मेन मोटिव फायदा, तो अभी दिस इज कंपोजिट। तो गाइस देखा ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर आया है और मे भी कंपोजिट नंबर आया है और पार्ट 9 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 10 आएगा आपको आ जाएगा आपके पास कल, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।